بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. मैं हूँ मोहम्मद सादिक शोर, आप देख रहे हैं सादिक टी वी यूट्यूब चैनल. खलीफा मुअतज़िद बिल्ला का अपने वज़ीर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन हमदून से जुए में हार जाना और जुए के रकम से इनकारी हो जाना और फिर उसके लिए एक अच्छा सा हीला बनाना. खलीफा मुअतज़िद बिल्ला का जो वज़ीर था अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन हमदून, वो ख़ुद कहते हैं कि मैंने अल्लाह से ये अहद किया था, वादा किया था कि मैं जुए के माल से कोई जायदाद ना ख़रीदूँगा ताकि ये हराम का ना बने. यानी जुआ जुआ हराम है तो ज़ाहिर है कि उसका जो नफ़ा है, उसकी जो पैसे, वो भी हराम है. और मेरे हाथ इस सिलसिले से जो रकम आएगी, यानी जुए से जो रकम आएगी, उससे मैं मोमबत्तियाँ ख़रीदूँगा. पहले ज़माने में ज़ाहिर है मोमबत्तियाँ ही जलाई जाती थी महलों में, घरों में, कमरों में. बिजली तो होती नहीं थी. जो जलकर ख़त्म होने वाली चीज़ है, यानी वो ख़त्म हो जाती है, बाकी नहीं रहती. या पीने के लिए नबीज़ ख़रीदूँगा. नबीज़ जो खुरमा पानी में रख के बनाई जाती है, या जो है अंगूर का जो है शीरा वगैरह, इसी तरह. या किसी जो है अदाकारा को दूंगा, मुगनिया जो गाने बजाने वाली होती है. जाहिर है कि भाई वुजरा और उमरा लोग इन चीज़ों में मगन रहते हैं और इनके महल में ऐसी जो है चीज़ें चलती रहती है, तो ये महफ़िलें सजती हैं. तो उन्होंने ये अहद किया था कि जुए से जो भी रकम आएगी उससे मैं वो चीज़ नहीं ख़रीदूँगा जो मेरे साथ बाकी रहे और हराम की रहे. मोमबत्तियाँ ख़रीद ली, जला दी, ख़त्म हो गई. कोई जो है नबीज़ वग़ैरह, शराब वग़ैरह ख़रीद ली, पी ली, ख़त्म हो गई. किसी गाने वाले को महफ़िल में बुला लिया, उसको दे दिए इनाम के तौर पर, चले गए. हराम किया है, हराम में चले गए. तो कहते हैं कि एक दिन मैं मुअतज़िद बिल्ला के साथ जुआ खेल रहा था और हमने जुए पे 70,000 दिरहम लगा लिए. 70,000 दिरहम जुआ था. तो मुअतज़िद बिल्ला वो हार गया, वो जुआ हार गया. अब मुअतज़िद बिल्ला अदायगी किए बगैर उठकर चले गए और असर की सुनते पढ़ने लगे, उसमें मशगूल हो गए. सॉरी, मैं बेटा वहाँ सोच रहा था और अपने इस अहद पर जो मैंने अल्लाह ताला के साथ दिल में किया था कि मैं जुए की रकम इधर उधर नहीं लगाऊंगा, और इस पे मैंने बड़ी बड़ी कस्में भी खाई थी कि मेरी बीवी को तलाक, मेरे गुलाम, नौकर, चाकर आज़ाद, अगर मैं इस तरह कर लूँ, ये मैंने कस्में भी खाई थी. तो मैं सोच रहा था और अपनी सेहत पे पछता रहा था और दिल में कह रहा था कि 70,000 दिरहम कहाँ तक बत्तियाँ ख़रीदूँगा, कहाँ तक मोमबत्तियाँ ख़रीदूँगा, कहाँ तक शराब ख़रीदूँगा, कितना इनाम दूँगा. मैंने कसम खाने में बहुत जल्दी की. अगर मैं कसम